अगले दिन सुबह होने से पहले, अब भी अगर आप सो नहीं रही तो मुझे अलादीन और उसके जादुई चराग की दिलचस्प कहानियाँ सुनाइए ना। काफी पुरानी बात है, एक शहर में एक गरीब औरत रहती थी, उसका एक ही बेटा था अलादीन। वो लड़का काफी आलसी था और हमेशा आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता रहता था। जब उसकी माँ ने देखा कि उसका बेटा नहीं सुधरने वाला, तो उसने अपने शौहर की दर्जी की दुकान बेच दी और गुजारा करने के लिए चरखा चलाने लगी। एक दिन जब अलादीन बच्चों के साथ खेल रहा था, तो वहाँ पर एक जादूगर आया और खेलते हुए अलादीन को घूरने लगा। यही वो लड़का है जिसकी मुझे तब से तलाश थी जब से मैं अपनी सरजमीन से आया हूँ। जादूगर ने अलादीन के दोस्तों को गायब कर दिया और अलादीन के पास गया। मेरे बच्चे, तुम मुस्तफा दर्जी के ही बेटे हो ना? जी, लेकिन वो तो काफी वक्त पहले गुजर गए। क्या वो नहीं रहे? आप क्यों रो रहे हैं? क्या आप मेरे अब्बा को जानते थे? ओ बच्चे, तुम मुझसे ऐसा कैसे पूछ सकते हो? तुम्हारे अब्बा मेरे भाई थे, मैं कई सालों से बाहर था। मेरे बच्चे, ये पैसे लो और अपनी माँ को दे देना। मेरा सलाम कहना, मैं कल उनसे मिलने आऊंगा अपने भाई का घर देखने। अम्मी अम्मी, मैं चाचा की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। वो कई सालों से बाहर थे, अब वो लौट आए हैं। उन्होंने मुझे ये पैसे आपको देने के लिए कहा है। अलादीन, ये क्या कह रहे हो तुम? कौन से चाचा की बात कर रहे हो तुम? मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारे सिर्फ एक ही चाचा थे जो गुजर गए हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे कोई और चाचा हैं। दरवाजे पर दस्तक हुई और जब अलादीन और उसकी माँ ने दरवाजा खोला, तो बाहर वही जादूगर आंसू बहाते हुए खड़ा था। मुझे वो जगह दिखाओ जहाँ मेरा भाई बैठा करता था। उसे वो जगह दिखाई और जादूगर वहाँ खड़ा होकर तब तक रोता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। अलादीन की माँ को यकीन हो गया कि वो आदमी सही कह रहा है। उन्होंने उसे खाना खिलाया, बातें की और फिर वो चला गया। अगले दिन सुबह वो जादूगर अलादीन के घर आ गया। उसने दरवाजा खटखटाया। अलादीन ने दरवाजा खोला। भतीजे, आज मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखाऊंगा जिसे तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। जादूगर और अलादीन चलते चलते शहर के बाहर आ गए। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए, तो अलादीन थक गया। प्यारे भतीजे, तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं करते? जब तुम आराम कर लोगे, तो तुम उठकर थोड़े से लकड़ी के टुकड़े वगैरह ढूंढना और वो सूखे हों ताकि हम आग जला सकें, और तुम्हें फिर मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। आराम करने के बाद अलादीन उठा और छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े जमा करने लगा। फिर जादूगर ने जादू से लकड़ियों में आग लगा दी।
फिर आग से चमकीली रोशनी निकलने लगी। फिर जादूगर ने कुछ पढ़ा। अचानक से जमीन फट गई। मेरे प्यारे भतीजे, अगर जो मैं कहूंगा वो करोगे तो तुम दुनिया के किसी भी बादशाह से ज्यादा अमीर बन जाओगे, क्योंकि इस गुफा में खजाना भरा पड़ा है। आप मुझे बताइए क्या करना है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। भतीजे, ये अंगूठी तुम्हें हर तरह के खतरे और नुकसान से बचाएगी। अलादीन, वैसे ही जाना जैसे मैंने कहा। मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े ध्यान से इन सीढ़ियों से नीचे चले जाओ। जब तुम नीचे चले जाओगे, चार बड़े बड़े कमरे दिखाई देंगे और हर कमरे में तुम्हें सोने से भरे हुए बर्तन और सोने और चांदी की दूसरी कीमती चीजें दिखाई देंगी। फिर फलों के पेड़ वाले एक बाग में जाना, वो तुम्हें एक छत पर ले जाएगा। वहां 30 सीढ़ियां चढ़ना, फिर एक चिराग दिखाई देगा। तुम्हें उन सीढ़ियों को चढ़कर चिराग लेकर आना है। उसमें जो कुछ रखा है उसे फेंकने के बाद चिराग अपनी जेब में रख लेना, और वापस आते हुए तुम पेड़ों से जो चाहे तोड़ सकते हो, क्योंकि जब तक चिराग तुम्हारे हाथ में है सब तुम्हारा है। मुझे अपना हाथ दीजिए ताकि मैं बाहर आ सकूं। पहले मुझे चिराग दे दो, वरना तुम गिर सकते हो। फिक्र मत कीजिए, मैं नहीं गिरूंगा। मुझे अपना हाथ दीजिए, मैं बाहर आकर आपको वो चिराग दे देता हूँ। जब जादूगर ने देखा कि वो चिराग नहीं दे रहा है, तो उसने सोचा कि उस लड़के को यही मरने दिया जाए। जादूगर ने जादू किया और गुफा का दरवाजा बंद होने लगा। अलादीन वहीं बंद हो गया। क्या कर रहे हैं, बाहर निकालिए। मैंने इसे हाथ नहीं लगाया तो इसके कत्ल में मेरा नाम नहीं आएगा। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाइए। शहरजाद ने फिर अपनी बहन से कहा कि एक दिन और हो गया है, और कहानी सुनानी बंद कर दी। अरे वाह अप्पी, ये तो बहुत अच्छी कहानी थी। इसे मारना तो है ही, मैं कुछ और कहानियाँ सुन लेता हूँ। Come on, little bunnies. Give thumbs up for the video, share with your friends, and subscribe to our channel for more awesome videos.